और आपको ये ट्रांजिशन केवल 1 सेकंड की लग रही है, बट 1 सेकंड की नहीं, ये पूरे 3 घंटे का वर्क है मेरा। जो आज मैं आप सबको एक गुड न्यूज सुनाने वाली थी, वो तो कोई ही नहीं है। और यू नो, मेरी फ्रेंड थोड़ी बॉडी बिल्डर टाइप है और जिम जाती है, और मुझसे तो दुगनी है भाई वो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ, और मैं आज खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन जो मेरी खुशी है ना, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि वो होने वाली है या नहीं होने वाली है। इसलिए तो जब वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो तभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। और फिलहाल देख लो यार, मेरे बाल कितने गंदे हो रखे हैं, और आज मेरी छुट्टी है। आज किसी की कुछ मतलब जयंती टाइप है, वीर केशरी चंद जयंती करके है आज। तो गाइस, मेरे को छुट्टी के दिन क्या करना होता है आपको पता ही है यार, काम करती हूँ मैं घर में। छुट्टी के दिन कोई छुट्टी नहीं होती है, मेरे को झाड़ू पोछा लगाना होता है। बर्तन तो देखो डेली साफ करने होते ही है, लेकिन मैं पोछा डेली नहीं लगाती हूँ, बट कोई बात नहीं। तो आज मुझे अपना पूरा रूम साफ करना है, और रूम से ही रिलेटेड आज शायद से कुछ होने वाला है। सो गाइस, व्लॉग में बने रहिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने फेस पे कुछ लगा लूँ, अपने बालों में कुछ लगा लूँ, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, और फेस को भी थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा ग्लोइंग ग्लोइंग करना है। तो मैं कुछ लगाने वाली हूँ फेस पे, और फिलहाल आपको अपना कमरा दिखाते हैं, कितना सड़ेला सा हो रखा है। पूरा झाड़ू पोछा लगाना है आज मुझे, ये देखिए, और मेरी इज्जत का फलूदा होता हुआ। इधर साफ करेंगे हम पूरा, पूरे रूम में झाड़ू पोछा लगाना है अभी मेरे को। तो झाड़ू पोछा करते हैं, और उसके बाद दिखाएंगे कि हमने अपना रूम कितना क्लीन कर दिया है। और उससे पहले ना, मैं अपने फेस पे कुछ लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद मतलब फेस पे फेस पैक लगाने के बाद मैं सफाई करना स्टार्ट करूँगी। और मेरा आज का टारगेट है ये सब चीज़ें। मेरे को नारियल पानी पीना है, जो कि मैं अभी पीऊँगी। उसके बाद ऑरेंज का जूस पीना है, और ये मैं लेकर आई थी पत्थर बेल, तो इसका भी जूस बनाना है। और ये अनार है, और ये खरबूजा है। तो ये सब चीज़ें मेरे को खानी है, मतलब इनमें से कुछ ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा खरबूजा नहीं खा पाऊँगी, तो आधा खा लूँगी। फिलहाल बनाते हैं अपने लिए फेस पैक। फेस पैक के लिए मैंने लिए हैं रोज़ पैटर, और मेरे को बेसन चाहिए था। बेसन फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब गोरा बना देता है आपको। तो वो मैं लाना भूल गई, मतलब कल मेरे को याद था कि लेकर आना है, बट पता नहीं कैसे माइंड से निकल गया। तो मैं ऐसे ही सिंपल सा कुछ भी फेस पैक बनाती हूँ, और उस पर आपको अपने फेस पे लगाती हूँ। फेस पे ये लग गया है हमारा फेस पैक, और अब हम पूरा रूम साफ करके और अपने आप को भी साफ करके मिलेंगे आपको। पहले ऐसे करो, ऐसे ऐसे, यस। सो गाइस, मैं नहाकर आ गई हूँ, और आपको ये ट्रांजिशन केवल 1 सेकंड की लग रही है, बट 1 सेकंड की नहीं, ये पूरे 3 घंटे का वर्क है मेरा। तो 3 घंटे के बाद मैंने ब्लॉग करना अगेन शुरू किया है, क्योंकि 11:30-12 बजे तो मैं झाड़ू पोछा ही करी थी, और अभी 3 बज रहे हैं। मतलब छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं होता, आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मेरे को पता भी नहीं चला। इवन कुछ काम भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया, बट फिर भी। और अभी बर्तन भी साफ करना है, बट कोई नहीं, सबसे पहले अपना स्किन केयर करेंगे हम लोग। There's not much to do when all I can is think. और मेरा ये क्यूट सा टॉवल आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बता देना मुझे। ये मेरे को मेरी बहन ने गिफ्ट किया था पिछले साल। और आज मैं ट्राई करने वाली हूँ सीजन का फर्स्ट बेल का जूस। पत्थर बेल आप सभी ने सुना होगा, तो पत्थर बेल का जूस बड़ा ही सिंपल होता है बनाना, बहुत ही इजी, सबसे इजी जूस होता है जिसको बनाते हैं। बस मेन काम ये है कि हमें पत्थर बेल को तोड़ना आना चाहिए। तो चलते हैं अपना जूस बनाने के लिए। चाहिए नहाते ही तो मुझे नींद आने लगती है। तो ये है मिनी पत्थर बेल, इससे बड़ी भी है मेरे पास, बट ये मिनी वाली है, तो आज मैं इसका ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपना टास्क पूरा करते हैं और पत्थर बेल को तोड़ते हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको रखूँ कहाँ पे यार, जगह ही नहीं है किचन में। तो hmm.
मेरे मकान मालिक तो नहीं आ जाएंगे? क्या कर रही हो, घर तोड़ दोगी हमारा? हाँ सो कोई बात नहीं, अगेन तोड़ते हैं। ये टूट ही नहीं रही है यार। ओ टूटा टूटा। मेरे को इतनी छोटी पत्थर बेल नहीं लेनी चाहिए थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो इधर से खराब भी है। शिट। तो गाइस इसका जितना भी गूदा दिख रहा है ना, ये सब कुछ मेरे को निकाल के इसमें डाल देना है। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले का जो अंदर वाला गूदा है, वो भी इसमें डाल देना है निकाल के। और फिर मैं इसमें पानी भर दूंगी। अभी आपको बताते हैं, वेट, सबसे पहले ये काम कर लूं। मैंने चम्मच की हेल्प से ये सारा बाहर निकाल लिया है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। इसको गाइस थोड़ी देर के लिए हमें डिप करके रखना है, मतलब आधे घंटे के लिए, और ये खुद ही बहुत ही थिक पेस्ट बन जाएगा इसका, और वही इसका जूस होता है और उसको हम पी लेंगे। तो और जब तक जूस रेडी होता है, तब तक मैं पी लेती हूँ नारियल पानी। आज मैं बहुत दिनों के बाद छत पे आई हूँ और अभी यहाँ पर इतनी अच्छी हवा चल रही है, और पीछे देखो मेरे ना आम के पेड़ है और इतने सारे आम लगे हुए हैं इन पे। ये देखो कितने सारे आम लगे हुए हैं, और इनमें से ना इतने सारे आम डेली नीचे टूट के गिरते हैं, और नीचे दादी बैठी हुई है। अभी गाइस हम देखते हैं कि जो हमारा जूस है वो कहाँ तक रेडी हुआ है, मेरी मम्मी की ट्रिक काम आई है या नहीं आई है। तो ये जूस ऐसा बन गया है, आप देख सकते हैं जो इसके बीज थे ना, इसके सीड थे, वो अलग हो चुके हैं इससे। बट ये वाला ना जो बेल था तो ज़्यादा मतलब कच्चे वाला था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाया, बट स्टिल काफ़ी अच्छा हो गया। मैं इसको छान लेती हूँ। एक पत्थर बेल से गाइस केवल इतना सा ही जूस बना है, और देखिए काफ़ी थिक भी है। मैं इसमें चीनी भी मिक्स कर सकती हूँ, बट मेरे को वैसे ही पीना है क्योंकि चीनी हेल्थ के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा क्या अच्छी ही नहीं होती है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी चीनी यूज़ नहीं करती। तो बस केवल इसको ऐसे ही पी लेंगे। मेरे को पता है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मेरे को पत्थर बेल का जूस, बट स्टिल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फालतू का ज्ञान नहीं पेल रही हूँ मैं। फिक्का फिक्का सा है, एम ही है, बट कोई नहीं, एक बार मैं पी लेती हूँ। सो मम्मी देखकर खुश हो जाएंगी कि हम पत्थर बेल का जूस भी पी रहे हैं। और आज मैं ऑरेंज का जूस नहीं पीऊंगी क्योंकि मैंने दो जूस ऑलरेडी पी लिए हैं, नारियल पानी और दूसरा पत्थर बेल का जूस। तो ऑरेंज जूस हम कल पी लेंगे, तो आज के लिए बहुत है। और आगे मैं सोच रही हूँ कि आज मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। मैंगो शेक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को मैंगोज भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी तैयार होते हैं डांस क्लास के लिए। और आज का दिन इतना बेकार गया ना मेरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, जिस दिन छुट्टी होती है मेरे लिए कोई अच्छा दिन नहीं होता है, वो बहुत सारे घर के काम करने होते हैं और बस ऐसे ही दिन चला जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। इवन आज मैं 2 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ यार, फिर भी, और कुछ काम भी तो नहीं किया मैंने, दुख तो इस बात का है। अभी हम आए हैं सैलून और मिलिए मेरी दोस्त से। मैं नाम भूल जाती हूँ अपनी दोस्त का। तुमको मैंने शायद से पूछा भी नहीं, तो मैं यहीं पे आती हूँ, तो मतलब वैसे हमारी बातचीत होती रहती है कभी कभी, जब मैं आती हूँ। दीदी के ब्लॉग देखती रहती हूँ। या
और ये भाभी है और अभी एक और दीदी वो अंदर है। सो हम कुछ कराने के लिए आए थे अपने थोपड़े पे। अब भी बजे हैं रात के 10 और मैं भूल गई थी कि मैंने आज कपड़े भी धोए हैं, तो रात को मैं कपड़े उतारने के लिए आई हूँ। देखो यहाँ पे तार पे सब कपड़े हैं और ऊपर इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है और अंधेरा ही अंधेरा है, तो मेरे को डर लगता है अंधेरे से। बट अब मेरे को इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई ना अकेले रहने की, तो मेरे को कुछ डर वर नहीं लगता। मैं कहीं भी रह लेती हूँ, अकेली रह लेती हूँ, कहीं भी अकेले चले जाती हूँ। तो अगर आपको अपने डर को भगाना है या डर से नहीं डरना है तो आप अकेला रहना शुरू कर दो। सही बता रही हूँ, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा सही में। अगर अकेले रहने में मतलब भूत भास से डर लगता है, उससे भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद मतलब किसी से डर नहीं लगेगा आपको, बस चीज़ें हैंडल कर लोगे सारी। जो आज मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ सुनाने वाली थी वो तो हुई ही नहीं है, तो जब वो चीज़ होगी तभी मैं आपको बता सकती हूँ। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट एंड में आते आते मुझे पता चल गया था कि वो चीज़ नहीं आने वाली है। सो मैंने नहीं बताया व्लॉग में, और उसके साथ जैसे कल वाले व्लॉग में मैं इस वाले टॉप का राज बता रही थी। अरे यार उल्टा है, सीधा यहाँ से होगा, ये वाले टॉप का कुछ राज है वो बता रही थी मैं आपके साथ, आपको वो बता रही थी मैं। तो इस टॉप का राज ये है कि ये बड़ा ही प्यारा सा नाइट सूट था, बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे लिए लेकर आई थी मेरी फ्रेंड, ठीक है। विशु मेरे लिए लेकर आई थी और उसने क्या किया, मेरे को ये टॉप उसका पकड़ा दिया, लेकिन उसका शॉर्ट्स जो था वो पकड़ाया ही नहीं, वो दिया ही नहीं, वो भूल गई उसने पता नहीं कहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो मैंने 2 साल तक वेट किया लगातार कि वो कब देगी शॉर्ट्स, कब देगी, कब मैं इसको पहनूंगी, बट उसने नहीं दिया। फिर उसका फोन आता है आज से 1-2 महीने पहले मेरे पास कि यार तेरा ना शॉर्ट्स मैं लेकर आ गई हूँ और तू ले लियो। उसने, मैंने कहा चल ठीक है, जब मिलेंगे ना तो मेरे को दे देना, ठीक। और उस बदतमीज लड़की ने यार खुद पहन लिया वो शॉर्ट्स। और मेरी फ्रेंड थोड़ी बॉडी बिल्डर टाइप है और जिम जाती है और मुझसे तो दुगनी है भाई वो। अब दुगना इंसान मेरे कपड़े पहनेगा तो ऑब्वियसली कपड़े फट जाएंगे ना, तो वो शॉर्ट्स उसने फाड़ दिया पहन के। अगर विशु तो देख रही है ना, तो मैंने तेरी असलियत बता दी है, अब तू कमेंट करना या कुछ भी करना, और मैं इसको डिलीट नहीं करने वाली। और जब से ये 2 साल से ये मेरे पास ऐसे ही रखा है, मैंने आज तक नहीं पहना, अब ये मेरे को अकेले ही पहनना पड़ेगा। जब भी पहनूंगी तो जो भी है यार, अब अकेले ही पहन लूंगी। बट ये बड़ा ही क्यूट था यार, अगर इसका साथ में ना शॉर्ट्स होता तो ये मस्त लगता, मतलब एक नंबर लगता है यार, एक नंबर। बट कोई बात नहीं, और अभी ना 10:30-11 हो रहे हैं और मेरे को कल सुबह स्कूल जाना है। सो गाइस व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो गुड न्यूज़ मैं आज देने वाली थी, हो सकता है वो मैं कल दूँ, तो कल वाला व्लॉग भी ज़रूर देखना है। बाय। मैं कितना फास्ट बोल देती हूँ ना कभी कभी। बाय।